तो दोस्तों यही देखा खालसा कॉलेज है, आपको ये कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं यहीं से आगे बढ़ूँगा और ही सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अंदर अगर मेरे को परमिशन मिलती है जाने की तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा देखने के लिए, और सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा अंदर से भी। मैं पहले उस साइड चल रहा था तो फिर मैं इस साइड आया क्योंकि वहाँ पे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था, खाली घर और सारे बड़े बड़े मतलब ऑफिसेस थी ये वो सारी चीज़ें दिख रही थी, तो मुझे लगा कि मैं मतलब ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँ इस साइड के। मुझे बॉम्बे का वो याद आ गया जब हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी से जब मैं चलता था वो सारी चीज़ें, तब मुझे वो सब सारी चीज़ें दिख जाती थी, ऐसे ही रहता था। मेरी आँखें सच कुछ कह रही खालसा कॉलेज के पास ही लगी रही है, बार बार मेरी हट ही नहीं रही है। तो ये है आज एक सबसे बड़ी खुशी की बात ये है ना कि आज संडे ही है, मतलब आज गर्मी ज़्यादा नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि आज ज़्यादा सन नहीं है। नहीं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी मेरे को यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि आज अगर धूप ज़्यादा होती तो मैं चल नहीं पाता इसके लिए। सचमुच यार मैंने सचमुच पंजाब की एक पहले ही इतनी बड़ी खालसा कॉलेज देखी जो इतनी शानदार और इतनी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया, भाई का महलों से कम नहीं है। महल ही बनाया गया है कि मैं ऐसे समझ लें, ये फार्मेसी के लिए है, ये डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है वो उसके लिए है। तो अभी मैं और चल रहा हूँ सीधा जाने की कोशिश करूँगा, और देखो बिल्डिंग के ऊपर शेर दिख रहा है आपको, ये देखिए शायद नहीं दिख रहा होगा, बिल्डिंग के ऊपर शेर बनाया इन्होंने, तो ये भी देखो यही एंट्री है इसकी, है ना। अनऑथराइज पर्सन को यहाँ पे मना किया गया है, व्हीलर्स फोटोग्राफी ये सारे मना किया गया है अंदर। तो ये खालसा कॉलेज की देखिए पीछे ये एंट्री है, ये मैं दिखाऊंगा आपको, और बहुत सारी इस पर डिग्रियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस है। ये खालसा कॉलेज के मैं रोड पर चल रहा हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कोई इसमें पढ़ रहा हो देख रहा हो तो, कोई इस कॉलेज में पढ़ता है या देख रहा है वीडियो तो ज़रूर कमेंट करना यार, अगर अंदर आने के लिए क्या करना पड़ेगा तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। और आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और सचमुच कह रहा हूँ अभी भी मेरी आँखें ना अंदर ही लगी पड़ी है, मैं बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा, जिसे सबसे कलर किया गया डिज़ाइन किया गया इमारतें बनाएगी आर्किटेक्चर को मैं देख रहा हूँ, भाई गजब है गजब गजब है, ठीक है। तो पंजाब में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए है, जो सबसे अच्छा मेरे को लगा ये है खालसा कॉलेज, जिसकी डिज़ाइन जिसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है, न जाने कितने किलोमीटर में होगा मुझे पता नहीं, ठीक है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पास, ये देखिए बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, और मुझे लगता है काफ़ी चेकिंग मेकिंग होने के बाद ही अंदर लोग जाते होंगे। तो ये गुरु देव नानक यूनिवर्सिटी है, ये इसका मेन चौराहा है, और ये देख सकते हैं मेरे सामने ये पूरा ये यूनिवर्सिटी का ये पूरा एंट्रेंस है, और चलिए हम लोग उस साइड जाने की कोशिश करेंगे, और लेफ्ट साइड यानी पल्ले को साइड, और बहुत सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा। ये जो रोड है ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये जाता है अटारी बॉर्डर के पास, और इस यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा छानबी नौकरी लोग अंदर जाते होंगे, और तो ये देखिए ये हमने आपको दिखा दिया है गुरुदेव नानक जो यूनिवर्सिटी है ये है, और इसी के साथ ही हम और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मैं उस साइड जाऊँगा और उस साइड से सारी चीज़ें दिखाऊँगा। ये देखिए ये गुरुदेव नानक जो यूनिवर्सिटी है उसी के ये रोड है, और यहाँ से बसें मिल जाती है, गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ आ रही है यार, मुझे मरीन ड्राइव की पूरी फील आ रही है, ऐसी ही है मरीन ड्राइव जब जिला होता है तो ऐसे दिखता है, और जब धूप होती है तो भाई ऐसी आग निकलती है ना यहाँ पे, कि क्या बताएं। बढ़िया है, इन्हें जाने दो, पार्किंग लाइट दिखा दी है भाई साहब ने, और यहाँ से हम चीज़ें दिखाएंगे आपको और सारी, और ये दिखना है ये मेन चौराहे पे है, गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड से क्रॉस होती हुई,
स्पीड से जा रही है। तो हम पहुंच चुके हैं, ये जो गुरुदेव नानक यूनिवर्सिटी है इसी मेन रोड पर, और ये सामने गुरुदेव नानक यूनिवर्सिटी का ये पूरा एंट्रेंस रहा, और ये सामने जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, शॉप हैं, ये भी दिखाएंगे। बारिश हो रही है यार, थोड़ा थोड़ा बूंदा बारिश हो रही है। अगर तेज़ बारिश होना शुरू हो गई तो मुझे कहीं एक जगह पर ठहरना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे सारा कैंपस है, ये है सारा सब कुछ, जो गुरुदेव नानक यूनिवर्सिटी के आसपास का जो इलाका है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आसपास की जो बिल्डिंगें हैं, आसपास जो फूड्स और बहुत सारे सैलून्स और बहुत सारे जो स्नैक्स जो फलसे छूटे होंगे, मुझे लगता है कि ये उनके ठहरने की और ये बहुत सारी जगह होगी। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको दिखा दिया ये पूरा सारा सब कुछ, और आगे और भी कुछ चीज़ें दिखने को अगर मेरे को मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये पूरा देव यूनिवर्सिटी है वसी के पास का ये पूरा नज़ारा है हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, और भी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करूँगा। ज़रूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ उस साइड जाऊँ और उस साइड देखूँ क्या मिलता है, क्या देखने को मिलता है। और कोई अगर खालसा कॉलेज में अगर कोई पढ़ रहा है, अगर ये ब्लॉग देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताओ। और अगर देख रहा है तो ज़रूर बताओ। और ठीक है, अभी देखिए बारिश शुरू हो गई है धीरे धीरे। मुझे कैमरा भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि कैमरा मेरा वाटरप्रूफ नहीं है, पानी चला जाएगा तो यार प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ठीक है, तो चलो दोस्तों तब तक के लिए शुक्रिया, और ये खालसा का हम दिखा दिए हैं और भी सारी चीज़ें। तो चलिए इस व्लॉग में बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और लाइव इस सुनील पर और भी मैं ढेर सारी चीज़ें यहाँ से आगे की वीडियोस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया शुक्रिया।